अनादिकल्पेश्वर मंदिर आलोट में पंडित श्री ईश्वर लाल जी शर्मा मालाखेड़ा द्वारा संगीत में भागवत कथा का वाचन किया जा रहा था। बड़ी संख्या में माता बहने पुरुष इस कथा का लाभ ले रहे हैं। 7 दिन की भागवत कथा में महिला मंडल धरोला द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया था। महिला मंडल द्वारा अनादि कल्पेश्वर के आंगन में भव्य आयोजन किया। इस भव्य आयोजन को लेकर कल दोपहर ठीक 3 बजे संगीत में भागवत कथा का समापन किया गया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण की अवसर पर अनादि कल्पेश्वर मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में भी आ गया है। इसी उद्देश्य को लेकर शिव पुराण का उद्देश्य है उसी प्रकार इस कथा को कराने का महिला मंडल ने पूरा लाभ लिया। ज्ञात रहे कि यह मंदिर पुरातत्व विभाग का है और सरकार के अधीन है। पहली बार महिला मंडल द्वारा संगीत में भागवत कथा का आयोजन किया गया। वहीं कथा के समापन के बाद माताओं बहनों ने अपने जीवन को सार्थक बनाया। इस अवसर पर भारतीय पत्रकार संघ उज्जैन संभाग टीम एवं रतलाम संभाग टीम द्वारा पंडित जी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया था। रुक्मणी महाराज मैया वो थाली लेने जा रही है जल की पूजा की, लेकिन वो तो आती नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण इतने रोए कि अपनी आंखों के आंसू